नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी प्रोग्रामिंग टुडे अगेन। दोस्तों आज मैं वीडियो का टाइप थोड़ा दूसरा लेके आया हूं। दोस्तों जो भी अपन सीएनसी बीएमसी के वीडियो बनाते हैं नहीं चलते हैं, और उनके नहीं चलने का कारण होता है कि वीडियो को अपलोड किस तरीके से किया जाता है, गलत बात है। वीडियो में थंबनेल अच्छा होना चाहिए, ये भी गलत बात है। दोस्तों मेरा 10 साल से चैनल जो है सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग का आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। कारण ये मेरी गलती, क्योंकि मैंने आज तक वीडियो रेगुलर कभी डाले ही नहीं। एक साल दो साल वीडियो डाले थे, 7 साल बाद, ठीक है, 6 महीने तक वीडियो डाले, उसके बाद मैंने 2 साल तक कोई वीडियो नहीं डाले, इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों जो अपडेट्स वगैरह आ रही है मैंने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। हमारे भाई साहब टेक्निकल योगी हो, चाहे मनोज दे हो, चाहे एक्टिव राउत हो, चाहे महात्मा जी टेक्निकल हो, सभी अपडेट्स वगैरह देते हैं, पर मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम केवल वीडियो बनाना नहीं होता, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी होती है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो मोटिवेशनल इसलिए है क्योंकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो डाले हैं इन दिनों, पिछले दिनों, जिसके अंदर क्या कि व्यूज बहुत कम आते थे, ठीक है ना, 12, 13, 15, 20 पे आकर रुक जाते थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि एक तरकीब लगाई, मैंने किसी का माना नहीं, चाहे मनोज दे बोलो, चाहे टेक्निकल योगी बोलो, चाहे एक्टिव राहुल बोलो, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने वीडियो बनाया, उसमें एडिटिंग किया, अपनी आवाज डाली, ठीक है, थोड़ा सा क्लिपिंग वगैरह डाला। मेरे पास में 1-2 बांदरे हैं और एक उसी छोड़ के भागने वाला आदमी है, और एक हमारे पास मेरे पास में आमिर खान है, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह की क्लिपिंग वगैरह होती है मेरे पास में, वो मैं डाल देता हूँ, उनको टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ देता हूँ और शॉर्ट में डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने आप एक वीडियो देखोगे अभी, इसके अंदर कंटेंट के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि जिसपे इनमें सब कम व्यूज आए हैं, लेकिन शॉर्ट्स में जाऊंगा मैं तो 400 व्यूज बता रहे हैं, लेकिन ये वीडियो गया हमारा 10,000, ठीक है, 10,200 के ऊपर मेरा ये वीडियो गया। इसका कारण क्या था, मैंने खुद ने सोचा, इस वीडियो को बार बार देखा, तब जाके मुझे पता पड़ा कि भाई हम गलती क्या कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करके हम डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं उनको, ठीक है ना। आज से 6 महीने बाद फिर आता हमारे पास में कॉपीराइट स्ट्राइक, यूट्यूब वाले ही मास्टर, या तो 1 घंटे में आपको बता देंगे या फिर 6 महीने बाद बताएंगे कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट है। तो दोस्तों इन सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है, 2-4 वीडियो इधर उधर से लो और उनको काटो पीटो, उसमें अपनी आवाज डालो, उसमें अपना चेहरा डालो और वीडियो को अपलोड कर दो। गारंटेड जिस तरीके से मेरा ये वाला वीडियो वायरल हुआ है, 10,000 इस पे व्यूज आए हैं, उस तरीके के व्यूज आपके वीडियो पे भी आएंगे, बशर्ते कि इनमें क्या होना चाहिए कि ये वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, इनमें आपकी आवाज होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। इस तरीके की कुछ अच्छी जानकारियां जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इसी से आपके व्यूज बढ़ेंगे, इसी से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। 5-7 दिन में मेरे केवल मात्र 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए और वीडियो काफी अच्छा चल गया, सिर्फ क्लिपिंग एडिटिंग के कारण, ठीक है। और वीडियो 10-12 सेकंड ज्यादा बड़ा बनाना नहीं है अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो, और अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो आपको 4 या 5 मिनट से ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना, ताकि इसको कोई भी देख सके। तो दोस्तों मेरी आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि हमको वीडियो किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं चैनल मोनेटाइज हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जॉब करता हूं। लेकिन आप लोग अगर यूट्यूबर हैं तो आपको जरूर चाहिए होता है कि व्यूज कैसे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, किस तरीके के वीडियो हमको डालने चाहिए। दोस्तों इसीलिए मैंने आपके लिए आज एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, जिसको कि आप देख लें, समझ लें, और मेरी इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि सब्सक्राइबर, व्यूज और फॉलोअर्स जो भी बोलते हैं वो बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ आपको खुद को मेहनत करनी है, और दूसरे का कॉपी पेस्ट भी अगर आप करते हैं तो उसके अंदर अपनी जान डालनी है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अगर मुझे लगेगा कि अब अपडेट अच्छा आया है और इस अपडेट को कैसे यूज करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था कॉन्टेंट के अंदर जाकर के देखते हैं, ये वाला वीडियो जो मेरा शॉर्ट के अंदर वायरल हुआ था जिसपे 10,000 व्यूज आए थे, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वीडियो में क्या था कि YouTube ने हमको बोला एक नया वॉलपेपर या क्या बोलते हैं वो दिया है, तो
तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मशीनिंग कॉमेडी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके का एक स्टिकर, शायद इस स्टिकर के कारण मैंने यूज किया, इस कारण मेरे व्यूज आए हों, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए उसके अंदर, और आपकी बात रखने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग टूडी। थैंक यू वेरी मच।